भाई अभी मुझे निकलना है सरदरियाब चारसद्दा के लिए और बिलाल सो रहा है। मेरी गाड़ी चूँकि गांव में रह गई है तो बिलाल की जिम्मेदारी है मुझे पहुंचाना, जिम्मेदारी है, मस्त पहुंचाएगा। लेकिन अभी उसका दिमाग ख़राब हो रहा है, मीन कि उसको सर दर्द स्टार्ट है और अभी उसने टेबलेट ली है, तो या तो सेट हो जाएगा या सेट नहीं होगा। तो वहाँ पे भी दो चांसेस है कि अगर वो सेट हो गया तब वो हमारे साथ जाएगा, लेकिन अगर वो सेट नहीं हो गया तब भी हमारे साथ जाएगा। अब मुझे कपड़े भी चेंज करने हैं, तो चलिए कपड़े चेंज करते हैं क्योंकि लेट हो रहा है। दिस इज़ स्माइल ब्लॉग और एक नई वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ एंड यहाँ पे सब कुछ जो है वो इधर उधर पड़ा हुआ है। कपड़े इस्त्री करने थे लेकिन अभी तक लाइट नहीं आई, लास्ट तकरीबन 2-3 आवर से लाइट नहीं है। दिस इज़ द इशू। पेशावर के अंदर जहाँ पे हम रह रहे हैं आई डोंट नो वजह क्या है। तो भाई चेंज तो हो गए हैं बट द प्रॉब्लम इज़ कि सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। सो मुझे पेनाडॉल लेना है और दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन बहुत ही खुशी का मौका है। अब दोस्तों ने इनवाइट किया है और ये खुशी इंजॉय करनी है। तो एक तो ये बात है, दूसरी बात ये है कि उन्होंने एक शर्त रखी है कि जो बंदा नहीं आएगा नेक्स्ट जितनी भी पार्टीज होगी वो उससे आउट होगा। मजबूरन जाना पड़ रहा है यार, क्या करें, चले निकले। बिलाल इस वक्त फुल मूड में, ख़राब रास्ते पे इंतहाई जो है ना जहाज़ की रफ्तार से जा रहे हैं। बिलाल वजह क्या है यार? ये बहुत ज़्यादा ख़राब जगह है। मैं तो नहीं आ रहा था लेकिन आपने फोर्स किया इसलिए मैं आ रहा हूँ अभी। क्योंकि इस जगह पर मैं तकरीबन 3 साल बाद आ रहा हूँ। ये चरसद्दा रोड है, चरसद्दा को जाते हम सदरियाब जा रहे, लेकिन 3 साल बाद मैं आ रहा हूँ, 3 साल बाद इस रोड पर आ रहा हूँ क्योंकि ये ख़राब होने की वजह से। थैंक यू सो मच बिलाल, आपने इतना मतलब टाइम दिया। सारे दोस्त पहुंच गए हैं एंड वी आर द ओनली वन जो कि लेट हो रहे हैं। वहाँ पे क्या सीन है? तो प्रोग्राम है, बारबेक्यू नाइट है, मुझे नहीं पता कि किस खुशी में है, वो वहाँ पे जाके पता चलेगा और फिर मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। जा रहे हैं क्योंकि शर्त बहुत मुश्किल लगाई थी। उन्होंने कहा था कि जो बंदा इस प्रोग्राम में नहीं आएगा वो आने वाले तमाम प्रोग्राम से आउट होगा। तो फिर तो मजबूरी फिर मजबूरी बन गई। तो चलिए गाइस यहाँ से निकलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा शेक कर रहा है, मिलते हैं इंशाल्लाह। हम 5 मिनट के अंदर पहुंचने वाले हैं। रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बिलाल आप तो चारसद्दा से हो तो पूरा चारसद्दा इस तरह ख़राब है? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ यही रोड ख़राब है, सिर्फ चारसद्दा का ये मेन रोड जो है ना ये ख़राब है। उधर चारसद्दा बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़बरदस्त सड़क है, लेकिन ये रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर मैं कह लूँगा 3 साल से ख़राब है, 3 साल से ज़्यादा हो गए। आप किस पार्टी से हो? मैं एक पार्टी से भी नहीं हूँ। ये देखें आप, ये कितनी ज़्यादा धूल रास्ते की हालत भी आप देखें। बस हम पहुंचने वाले हैं, उधर मिलते हैं। फाइनली वी आर हियर बिलाल। यस, अभी हमें ड्रोन, इधर आ जाओ। अभी हमें ड्रोन ऊपर लेके जाना है जी, और ऊपर से इस जगह को हमने देखना है। बहुत ज़बरदस्त व्यू, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत। तो चलिए बाकी दोस्त भी नीचे खड़े हैं, हम भी जाते हैं और उनके साथ खड़े हो जाते हैं।
तो ये भूख लगी है बहुत ज़्यादा, तो अभी तक पका हुआ नहीं है, वैसे ही उठा लिए। काना नहीं मतलब बारबेक्यू थोड़ी बहुत स्टार्टर स्टार्टर यार काफी मजे का था, जबरदस्त यार सीरियसली। बिलाल जायका कैसा था यार, मुझे काफी अच्छा लगा, सीरियसली। सलमान तो अभी बिकारा है। तो भाई अभी कश्ती में जाने का प्लान है और शाम होने वाली है, लेकिन यासीन ने इसरार किया और उनके अंकल ने इसरार किया कि एंजॉय कर ले। तो बस ये पीछे आप देख रहे हैं कश्ती खड़ी है और ये सारे नीचे जा रहे हैं, मैं भी नीचे जा रहा हूँ ताकि एंजॉय कर ले। और ये नहीं जा रहा, डरपोक इंसान है, डरपोक। शेरी जनाब बारिश स्टार्ट हो गई है, नमाज़ पढ़ ली है और काफ़ी बेहतरीन मौसम है, एंजॉय किया जा रहा है। बिलाल कैसा लग रहा है? बहुत ज़बरदस्त मौसम है। वैसे काशिफ वगैरह को मिस कर रहे हैं? काशिफ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बताया भी था कि आ जाओगे लेकिन वो नहीं आ रहे थे बस। वैसे उन्होंने कहा था यार कि आपने उनको बुलाना है साथ में, या अभी सही हो गया? अभी ठीक। उन्होंने कहा था कि काशिफ वगैरह को बुलाना है, बस अजमीर ने भी नहीं कहा था कि उनको बुलाया गया है और मैंने तब मैसेजेस नहीं देखे थे जिनकी वजह से इशू आया। बिल्कुल। तो बस क्या करें यार, काशिप रियली सॉरी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी सॉरी बोल लो। सॉरी यार, सॉरी। अल्लाह लगा के फाइनली प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है और क्या खाना स्टार्ट हो गया है। असद भाई सबसे ज्यादा लेट हो गए हैं और उसके साथ ये नवीद जो बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था, साथ में दो बंदे इधर बैठे हुए इधर, बट एनीवे एंजॉय करते हैं, आप भी खाना एंजॉय करें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया, बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट की, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, दोस्तों की गैदरिंग जो कि बहुत ज़्यादा टाइम के बाद हुई, और तमाम दोस्त जो एक आईटी के शुबे से हम ताल्लुक़ करते हैं पेशावर के, उन तमाम दोस्तों की शादियां हो गई है और अब कोई भी बंदा नहीं रहता था। सो शरियार जैसे कैमरे के पीछे है, यासीन और बाकी असद भाई, तो उनके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। शादी के बाद ये हमारी पहली गैदरिंग थी और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट गैदरिंग हमारी हमारे ऑफिस के अंदर ही होगी। तो इसी के साथ इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। सदरियाब का टूर बहुत ही अच्छा रहा आज का, नए उलाग के साथ फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन और लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो सी यू नेक्स्ट प्रोग्राम, अल्लाह हाफिज़।